नमस्ते दोस्तों, केम छो मजामा। मैं संजय न्यूटेरिस गार्डनिंग एंड ब्लॉक चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। ये देखिए, मेरे करेंट प्लांट में फ्लावरिंग हो रही है। तो आज मैं अपने गार्डन की संडे अपडेट देने जा रहा हूँ। मेरे गार्डन में खिले हुए फ्लावर बताऊँगा, दिखाऊँगा आपको, और कुछ केयर टिप्स भी बताता जाऊँगा कि मेरे प्लांट कैसे चल रहे हैं और उनकी ग्रोथ कैसी है। तो सबसे पहले हमने कनेर प्लांट से शुरुआत की। देखिए, फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। और यहाँ पे हिबिस्कस, तो हिबिस्कस प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग के लिए आपको ये जो सूखे हुए फ्लावर रहते उसको हटा देना चाहिए। और अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है, इसलिए इसका डोरमेंसी पीरियड रहता है, तो इस टाइम ये पत्तियाँ गिराने लगता है। तो कोई टेंशन की बात नहीं है, जैसे येल्लो पत्ती हो जाए तो आप इस तरह से हटा दीजिए। यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। तो आप 20 दिन में एक बार मुट्ठी भर के इसमें गोबर की खाद का फर्टिलाइज़र दीजिए, या फिर वर्मी कंपोस्ट, किचन वेस्ट, जो भी आप यूज़ करते हो अपने गार्डन में वो दे दीजिए। यहाँ पे देखिए, ये मेरे जो सिंगल पेटल का डेनियम जो मैंने सीड से ग्रो किए थे उनमें फूल आया है। देखिए कितना खूबसूरत है। और यहाँ पे देखिए, ये ब्रांच पे भी आया है। और यहाँ पे इस प्लांट पे भी देखिए कलियाँ बन रही है। ये तो छोटा सा प्लांट है, लगभग 6 महीना हुआ होगा, 6-7 महीना, देख सकते हो आप प्लांट। ये मार्च अप्रैल में मैंने जो सीडलिंग लगाई थी वही प्लांट है। और यहाँ पे देखिए, ये सारे अडेनियम है यहाँ पे, और अडेनियम रखे हुए। इसको मैंने जो बोनसाई पॉट थे उसमें एक में तीन तीन प्लांट, यहाँ पे मैंने ये ग्राफ्ट किया था, वो अडेनियम रखा हुआ है। बाकी सब यहाँ पे अडेनियम पड़े हुए हैं। यहाँ पे ये मदर ऑफ थाउजेंड है, ये देखिए पॉली बैग में लगा हुआ प्लांट है। एक और वैरायटी है मदर ऑफ थाउजेंड की, और एक ये अडेनियम है। इसका कलर बहुत ही खूबसूरत है, देखिए एकदम ये शेड डार्क मरून है और बीच में वाइट, तो ये भी अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है। देखिए यहाँ पे कलियाँ भी बनी हुई है। तो इसमें जो येलो पत्तियाँ होती है वो टाइम टाइम आप हटाते रहिए। यहाँ पे मैक्सिकन पिटोनिया, साथ में ये मदर ऑफ थाउजेंड एक और है। मदर ऑफ थाउजेंड के मेरे पास काफ़ी सारे प्लांट हैं। और ये देखिए यहाँ पे ये है चाइनीज़ ऑरेंज, जो छोटे छोटे मौसम भी होती है वो है। देखिए यहाँ पे पक्की हुई भी है, ये रही, और काफ़ी सारी तोड़ भी ली। देखिए ये कॉप्सकॉम मुर्गा फ्लावर, ये नागचंपा है, इसमें भी देखिए फ्लावरिंग हो रही है। ये कटिंग से लगा हुआ प्लांट है। और यहाँ जेट्रोफा, इसमें भी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। जेट्रोफा में देखिए हर एक ब्रांच पे फ्लावरिंग हो रही है। और इस तरफ ये चाइनीज़ हिबिस्कस जो मिनिएचर वाला रहता है वो, इसमें भी देखिए कलिया और फूलों। यहाँ है टिकोमा है, इसमें अभी तक फ्लावरिंग हुई नहीं है। अब देखते हैं टाइम होती है कि नहीं। बीच में प्लांट ख़राब हो गया था, तो वापस अब धीरे धीरे ये ठीक हो रहा है। यहाँ पे ये एक्सोरा है, ये मेक्सिकन पिटोनिया लॉन्ग वाली वैरायटी। यहाँ पे कनेर लगी हुई है येलो और ऑरेंज, ट्रायंगल हार्ट। और पीछे की तरफ है ये हमारा, ये देखिए नागचंपा प्लांट। ये काफ़ी टाइम से लगभग 2-3 महीने से फ्लावरिंग ऐसे ही कर रहा है। देखिए हर एक ब्रांच पे फ्लावर खिले हुए हैं। यहाँ पे देखिए ये देसी वाला है हमारा अडेरियम है, तो उसमें भी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। और यहाँ पे कुछ प्लांट ग्राफ्टिंग के रखे हैं, ग्राफ्ट किए हुए, देखिए इसमें भी कलियाँ आई हुई है। यहाँ पे एक इसमें नहीं आई, बाकी यहाँ पे दिखाता हूँ आप, ये देखिए इनमें आई है कलियाँ। और यहाँ पे दो ब्रांच पे आई है, तीसरी ब्रांच पे निकलेगी यहाँ पे। और ये ग्राफ्ट किया हुआ है, इसमें भी देखिए यहाँ कलियाँ बन रही है। एक यहाँ पे है, इसमें भी यहाँ पे कलियाँ बन रही है। एक यहाँ पे प्लांट है ग्राफ्ट किया हुआ, ये देखिए इसमें भी कलियाँ बन रही है।
लगभग मैंने ग्राफ्ट किए उन काफ़ी सारे प्लांट में कलियां बन रही है। यहाँ ये छोटा सा प्लांट है, देखिए इसमें भी कलियां निकल रही है, छोटी छोटी है। और यहाँ पे ये देखिए, ये छोटा सा प्लांट है, इसमें भी कलियां बन रही है। तो मेरे अडेनियम के काफ़ी सारे ग्राफ्ट किए हुए अडेनियम में अब कलियां बनने स्टार्ट हो गई। कौन से फ्लावर खिलते हैं, मैं फ्लावर खिलेंगे उसके बाद आपके साथ शेयर करूँगा। यहाँ पर ट्रायंगल हार्ट की सब बास्केट लगाई हुई है, ये देखिए इस तरह से। और यहाँ नीचे की तरफ ये लगा हुआ है स्पाइडर प्लांट लगा हुआ है। साथ में यहाँ पे चैन प्लांट है, ये मेरा क्रोटोन का प्लांट है जो मैंने रिपोर्ट किया अभी 4-5 दिन हुआ, बड़े गमले में लगा हुआ था और मिट्टी का गमला था वो पूरा टूट गया था, तो पूरा हटा के मैंने ये प्लास्टिक के 6 इंच के पॉट में लगा दिया। यहाँ पे ये स्नेक प्लांट है, मेरा जेड प्लांट, यहाँ पे और स्नेक प्लांट लगे हुए हैं सारे मेरे जो रिपोर्ट किए थे। इस तरफ सारे कलंचों के प्लांट है और देखिए कलियाँ भी बनना स्टार्ट हो गई है अब। तो इसके क्या टिप्स की मैं वीडियो दूंगा बहुत जल्द, आपके पास आएगी वीडियो कि कौन सा फर्टिलाइज़र देना है, फ्लावरिंग के लिए क्या करना है। अभी प्रोसेस चालू है, देखिए कितने हेल्दी प्लांट है। और यहाँ डबल पेटल हिबिस्कस है, उनमें देखिए कलियाँ बन रही है। और यहाँ पे चिनिया है, ये पिटोनिया, यहाँ गुलदावरी है, गजानिया, और ये जेड प्लांट लगा हुआ है। यहाँ पे और एक हिबिस्कस प्लांट है मेरा, और ये मैंने स्पाइडर प्लांट की जो टोपियारी बनाए थे, हैंगिंग बास्केट बनाया था, वो है देखिए इस तरह से कुछ लग रहा है। और यहाँ पे एक ऑप्सकॉम है, और साथ में यहाँ पे मैंने ढेर सारे मदर ऑफ थाउजेंड लगा के रखे अलग अलग वैरायटी के। ये देखिए ये अलग है, ये अलग, यहाँ पे ये अलग है, तो तीन वैरायटी मेरे पास है। तीनों तीन के मैंने बहुत सारे प्लांट ऐसे तैयार करके रखे हैं, देखिए मदर ऑफ थाउजेंड के काफ़ी सारे प्लांट मेरे पास हो गए। और इसकी पत्तियाँ बहुत ही अच्छी मोटी पत्तियाँ है, बहुत मुझे अच्छी लगती है। साथ में यहाँ पे रेडी नेम के प्लांट है, कुछ सीड से लगे हुए, कुछ कटिंग से लगे हुए, काफ़ी सारे प्लांट मैंने यहाँ भी रखे हुए, लगभग 120-130 प्लांट से ज़्यादा है मेरे पास। और पीछे की तरफ अगेव है, जो छोटे छोटे बेबी प्लांट निकलते रहते हैं वो मैं यहाँ लगाता रहता हूँ। और इस तरफ ये कॉप्सकॉम है, इसके साथ ये मैरीगोल्ड है, मैरीगोल्ड के भी मेरे पास काफ़ी सारे प्लांट है, वाइट विनका, तो विनका पे भी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। और यहाँ भी लगे नाग चंपा के कुछ प्लांट, उसमें भी देखिए ये काफ़ी बड़े हो गए, एक साथ मैंने तीन तीन कटिंग लगाई हुई है। और एक यहाँ पे भी लगा हुआ है, इसमें भी देखिए फ्लावरिंग हो रही है, और एक कनेर यहाँ पे, इसमें भी फ्लावरिंग हो रही है। तो इस तरह से कुछ मेरे गार्डन में चल रहे प्लांट और फ्लावरिंग हो रही है। तो आपको मेरा गार्डन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।